आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे वीडियो को लेके आए हैं, वो है मिशन एडमिशंस की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखिए डीपीएस दो है, पटना अगर बात की जाए तो डीपीएस पटना ईस्ट की हम बात करने वाले हैं। वन ऑफ आवर व्यूअर्स से दैट सर प्लीज टेल मी अबाउट द पटना डीपीएस पटना ईस्ट अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। बहुत से गार्जियंस, बहुत से हमारे व्यूअर्स का कॉल्स आता है, बैक टू बैक मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, सर हमारे बच्चे का एडमिशन अभी भी नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स पटना में हमारा एडमिशन हो, तो इसी कैटेगरी में हम ये सीरीज लेके आए हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हमारे वीडियोस को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब और फेसबुक को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो बिना देर किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। डीपीएस पटना ईस्ट का हम पूरा देखेंगे प्रोसेस, क्लास नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं पटना डीपीएस में, डीपीएस पटना ईस्ट में सारी जानकारी हम देना चाहेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होता है सर, क्या चीजें हैं, सारी क्वेरीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एड्रेस है NS 31 दौलतपुर एम्स पटना बिहार, पिन कोड इज 803214। एज बहुत बड़ा फैक्टर है सर, एज क्या होना चाहिए, तो प्री नर्सरी वाले बच्चों के लिए जो आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो 3 ईयर्स होना चाहिए, 3 साल का एज होना चाहिए प्री नर्सरी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद नर्सरी वाले बच्चों का एज जो होना चाहिए वो 3.5 ईयर्स होना चाहिए, 3.5 प्लस ईयर्स यानी 3.5 साल से ज्यादा का एज होना चाहिए अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन नर्सरी स्कूल या नर्सरी क्लास में हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्री पेट्री जो है इस क्लासेस, उसके लिए आपको 4 प्लस एज होना चाहिए। क्लासेस 1 के लिए आपके बच्चे का एज 5 प्लस होना चाहिए। आई रिपीट, क्लास 1 के बच्चों को एडमिशन लेने के लिए तो एज जो होगा वो 5 प्लस होगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है, ऐसा सबसे बड़े गार्जियंस का यही सवाल रहता है सर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे किस आधार पर बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो जो आधार है, आई एम टेकिंग अबाउट द डीपीएस पटना ईस्ट, ये पहला जो मेथड है वो ऑब्जर्वेशन कम इंटरेक्शन मेथड फॉर प्री नर्सरी नर्सरी एंड प्री पेट्री स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन कम इंटरेक्शन मेथड, दिस इज अ मेथड इन विच पेरेंट्स टीचर एंड स्टूडेंट्स कम टूगेदर एंड नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ इन बॉय एंड गर्ल्स। What are the expected questions? What are the questions asked by the teacher? These questions are answered and helped by our team and me on the numbers given or flashing here. So, if you are interested in taking admission in Sarji Mission Admission batches, then what are you waiting for? So please call and join our batch as soon as possible for the best schools in Patna. उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि सर दूसरा method कौन सा है? दूसरा method है assessment cum interaction method. ये क्लास 1 से ऊपर वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम क्लास 1 से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, इसमें असेसमेंट भी किया जाता है बच्चों का। अब ये पेरेंट्स का सवाल है असेसमेंट किस आधार पर, असेसमेंट होता है बच्चों के उनसे प्रश्न पूछकर क्वेश्चन पेपर देके कि बच्चा आपका किस हद तक कहां तक आपका बच्चा जानता है और कौन कौन कमियां है या क्या क्या है जो बच्चे को दूर करनी होगी या किया जा सकता है। तो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एंड इंटरेक्शन मेथड। अब डॉक्यूमेंट की दौड़ होती है सर, डॉक्यूमेंट कौन कौन से एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो पहला डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्लास 1 से ऊपर वाले बच्चों को जब एडमिशन लेने जाना आप चाहेंगे तो आपको क्लास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। क्लास 1 से ऊपर वाले क्लास पर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 8 तक के बच्चों के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका बच्चा फिट है, एक्टिव है फॉर द स्पोर्ट एक्टिविटीज, ये स्कूल के जानने का हक है, आपको बताना भी चाहिए अपने बच्चे के लिए, दैट इज मेडिकल सर्टिफिकेट। थर्ड वन इज बर्थ सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। अब बर्थ सर्टिफिकेट बहुत से पेरेंट्स के लिए सिरदर्द है सर, कहाँ से बनाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाए या पंचायत लेवल से बनवा ले, यहाँ जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है वो। अब ये देखिए डिपेंड करता है स्कूल स्कूल पर, बट जहां तक मैं पूरा वीडियोस की बात करूं, जो निचोड़ की बात की जाए तो निचोड़ यही है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले 99% एलिजिबल होते हैं, यह हर जगह मांगा जाता है। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ही बनवाइए तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आपको बस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो कि 4 इन नंबर्स हो सकते हैं। अब जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल है वो है फी। फी क्या है सर? तो फी
देखते हैं फी क्या है। डीपीएस पटना ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फी जो डीपीएस पटना ईस्ट का है वो 2500 रुपीज है, 2500 रुपए। उसके बाद दूसरे बात किया जाए तो इंस्टीट्यूशनल फी जो रखा गया है स्कूल का वो 95,000 रुपीज है। आई रिपीट, द इंस्टीट्यूशनल फी ऑफ डीपीएस पटना ईस्ट इज 95,000 रुपीज। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट फी जो रखा गया है वो 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपए। उसके बाद एक्टिविटी चार्जेस जो रखी गई है वो 21,000 रुपीज है। आई रिपीट, 21,000 रुपीज। उसके बाद एजुकेशनल फी जो रखा गया है वो 5,800 रुपीज है। ट्रांसपोर्ट फी जो कि मंथली लगता है, एजुकेशनल फी जो कि मंथली लगेगा, ट्रांसपोर्ट फी जो डीपीएस पटना ईस्ट का है वो 3,000 रुपीज है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अगर आप इस स्कूल में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए। तो अब बात है सर, इसमें हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है। बहुत से गार्जियंस का, बहुत से पेरेंट्स का, बहुत दूर दूर से ये प्रश्न आता है, सर मुझे ऐसा है स्कूल बताइए इसमें हॉस्टल भी हो, और डीपीएस पटना ईस्ट इज वन ऑफ फॉर यू। बहुत से पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, सर ऐसा है स्कूल बताइए इसमें हॉस्टल भी है, हॉस्टल है डीपीएस पटना ईस्ट में। अगर इसकी बात की जाए तो आरपी यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फी जो है वन टाइम पेमेंट करना होगा आपको 2,500 रुपीज। आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशनल फी जो आपको पेड करना पड़ेगा वो 60,000 रुपीज है, जो कि वन टाइम पेमेंट है। हॉस्टल जो कि बोर्डिंग एंड मील चार्जेस है जो कि मंथली लगता है वो 15,000 रुपीज, यानी 15,000 रुपए मात्र, जो कि आपको हॉस्टल के बोर्डिंग और मील्स यानी खाने का पैसा चार्ज करके 15,000 रुपए एक बच्चे का फी है जो आपको पे करना होगा। उसके बाद एनुअल मिसलेनियस एंड एक्टिविटी चार्जेस जो आपको देने होंगे वो है 30,000 रुपीज। वट इज सर, एनुअल मिसलेनियस एंड एक्टिविटी चार्ज इज 30,000 रुपीज। उसके बाद जो आपको पे करना होगा मेरे प्यारे दर्शकों को, एजुकेशन फी प्लस ग्रुप ट्यूटरिंग जो कि शाम में चलता है इस स्कूल में, वो आपको देना पड़ेगा 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए। मैं ऐसा करता हूं इस वीडियो से आपको एक पूरा ज्ञान मिल गया होगा, नॉलेज मिल गया होगा कि व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर एडमिशन चल रहे हैं अभी। जो बच्चे अभी भी एडमिशन नहीं ले पाए हैं, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन पटना स्टॉप स्कूल, देन यू कैन बी इन द पटना डीपीएस पटना ईस्ट, एंड वी हेल्प यू इन दैट। प्लीज कॉल ऑन द नंबर्स दैट इज ब्लिंकिंग हियर एंड आवर टीम, एंड वी हेल्प यू इन गेटिंग द एडमिशंस इन पटना स्टॉप स्कूल। If you are new to our channel, पहली बार हमारे videos को आप YouTube पर देख रहे हो, तो please like करना नहीं भूलिएगा, share करना भी नहीं भूलिएगा, और subscribe करने से आपको ये फायदा होगा, जैसे ही हमारे videos upload होंगे आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा information जो हम देना चाहेंगे वो admission एडमिशन क्लास 11th के बच्चों के लिए भी, आप निराश नहीं हो, आपके videos भी back to back आने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए भी। हमारा प्रोसेस चल रहा है, उनका 26 अप्रैल से 26 मई तक एग्जाम है, जो सारे रूटीन्स डीपीएस पटना पहले एडमिशन ले चुका है, संत माइकल, लोयला, नोडा एकेडमी, पटना कार्मल स्कूल, डॉन बॉस्को, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, बहुत सारे टॉप स्कूल्स हैं जिसका वैकेंसी 1-to-1 बच्चों को बताएंगे, इन टच करेंगे। आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। वी आर हेल्पिंग यू पर्सनली, मेंटरशिप इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द बिहार, द स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनरोल। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, सजेशंस, कमेंट एंड लविंग आवर चैनल्स। हैव ए नाइस डे अहेड। सर जी,